बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिलीशियस कुजीन में वेलकम। हमारी वीडियो देखने से पहले आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आज की जो हमारी रेसिपी है, हम बनाने जा रहे हैं फ़िश के शामी कबाब। स्टार्ट करते हैं जी। हमारी जो रेसिपी है मछली के शामी कबाब, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है 200 ग्राम और इसको मैंने भिगो के रख दिया था एक घंटे के लिए। फिर मैंने इसको छान के मैंने इसमें डाला है और इसके साथ मैंने मछली ली है 400 ग्राम। अब इसके अंदर जो है मैं अदरक डाल रही हूँ 2 इंच का टुकड़ा। इसके साथ लहसुन है मेरे पास 6 चवे हैं। अच्छा, लहसुन इसमें ज़्यादा जाएगा क्योंकि आप स्मेल ख़त्म करने के लिए लहसुन हम ज़्यादा इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। 2 अदद मेरे पास तेज़ पत्ते हैं, 2 टुकड़े मेरे पास दालचीनी के हैं, 1 बड़ी इलायची है। इसके अलावा मेरे पास छोटी इलायची है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये मेरे पास 5 अदद है। इसके अलावा मेरे पास काली मिर्च है और लौंग है। काली मिर्च मेरे पास है कम से कम 10 अदद काली मिर्च, 10 से 15 काली मिर्च ले लीजिए और लौंग ले लीजिए आप 6 से 7 लौंग ले लीजिए, ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। सफ़ेद ज़ीरा है यहाँ इसमें 1 खाने का चम्मच साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये मैं अपने स्पाइस के हिसाब से इसमें ऐड कर रही हूँ। ये मैंने ऐड कर दिया, इसको हम पानी ऐड कर रहे हैं इसमें। 1 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। इसका फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम करेंगे कुक। तो मैं कुक करने के लिए फ्लेम ऑन कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारी जो दाल और फिश जो है ये कुक हो चुकी है, गल चुकी है। तो उसको उतारने से पहले 2 मिनट पहले इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। इसके बाद 2 मिनट बाद जो है इसको हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसके बाद जो है इसको मैं पीस लूँगी। अच्छा, देखिए मैंने इसको जो है पीस लिया है। अब पीसने के बाद मैं क्या करूँगी कि इसमें मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर। इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी चॉप हरी मिर्चें 1 टीस्पून। प्याज मैं इसमें ऐड करूँगी, मीडियम साइज़ की चॉप है मेरे पास। इसके साथ चॉप हरा धनिया है और चॉप मेरे पास पुदीना है। अब जो है इसको हम मिक्स करेंगे। जो देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है, उसके कबाब बनाएंगे। उससे कि हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। अच्छा देखिए, अब मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है पैन में, अब इसको हम फ्राई करेंगे कबाब को। इसको फ्राई करेंगे एक साइड से। अच्छा देखिए, रेडी हो चुका है, मैं उसको निकालूंगी और इसमें मैंने जो है 1 अदद अंडा ऐड करके उसको दोबारा मिक्स करके कबाब बनाए थे। और अगर आप चाहें तो उसको आप फ्राई करने से पहले अंडे में डिप कर करके फिर आप उसको फ्राई कर सकते हैं। उसको निकालेंगे, बाकी को भी इस तरीके से फ्राई कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी आज की रेसिपी जो मैंने आपके साथ आज शेयर की है, फ़िश के शामी कबाब बिल्कुल रेडी हैं। इसके साथ मैंने सलाद भी रखा है, साथ मैंने ग्रीन चटनी भी रखी है। चपाती के साथ आप उसको सर्व कर सकते हैं, दाल चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। क्योंकि फ़िश के शामी कबाब आपने कभी भी नहीं खाए होंगे, तो इस रेसिपी को आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।